और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मांझी साहब को भी आना है। और देखिए बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे वर्षा बंगले से निकल चुके हैं, वो अपने घर से निकल चुके हैं एकनाथ शिंदे। शाम 5:30 बजे डिप्टी सीएम की शपथ एकनाथ शिंदे को लेनी है और वो वर्षा बंगले से निकल चुके हैं। इसी का इंतजार तो था दिनेश, और वो इंतजार अब पूरा हो रहा है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है शपथ ग्रहण समारोह का, सारे किंतु परंतु सब दूर हो जा रहे हैं। अब देखिए, अभी भी कुछ समय इसके पहले जो गाड़ियां सामने में चाहूंगा, मेरे वीडियो जनेश आपको तस्वीरें दिखाए, वर्षा बंगले की कुछ गाड़ियां जरूर निकली, लेकिन उन गाड़ियों में शिवसेना के कोर ग्रुप के नेता थे जो भगवा रंग की पगड़ी पहनकर आजाद मैदान की ओर निकले। अब भी इंतजार है एकनाथ शिंदे का, जो अब से किसी भी समय वर्षा बंगले से निकल सकते हैं। तमाम जितने नेता मौजूद थे लगभग सभी वर्षा बंगले से बाहर आ गए हैं, लेकिन अब भी एकनाथ शिंदे जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं शपथ ग्रहण। आज उनके भी जीवन के लिए बेहद अहम पल होगा, क्योंकि वह जिस तरह से 2.5 साल उन्होंने सरकार चलाई राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन अब अगले 5 साल उन्हें देवेंद्र फडणवीस के इंस्ट्रक्शन के तहत काम करना होगा, और जो योजनाएं उन्होंने शुरू की थी उन योजनाओं को सुचारू रूप से जारी रखना। और जैसे कि लगातार वो दलील देते हैं कि मुझे लाडला भाई का पद दिया गया है इस राज्य की महिलाओं ने, ऐसे में उनके योजनाओं को शुरू रखना है, ये वो कहते हैं कैमरे के लिए। लेकिन बीच अहम बात यह है कि एकनाथ शिंदे को यह फैसला कबूल करना आसान नहीं था, जिस तरह से वो लगातार प्रयास कर रहे थे 23 तारीख के बाद से ही कि किसी तरह से पहले उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से इनकार कर दिया गया। आसान हो ना हो दिनेश, लेकिन अब तो सारी राहें आसान हो चुकी हैं, सारे कांटे निकल चुके हैं। एकनाथ शिंदे निकलेंगे, कोर ग्रुप के जो नेता हैं वो निकल चुके हैं, लेकिन आजाद मैदान में अभी तक कौन कौन पहुंचा है ये बताएंगे मेरे सहयोगी सचिन। सचिन बताइए, वीवीआईपीओ की तस्वीर तो हम देख रहे हैं, लेकिन अभी कौन कौन या क्या नजारा आपको आजाद मैदान का नजर आ रहा है, कौन कौन पहुंचा? देखिए सचिन के पास आपको लेकर जाएंगे, जिस आजाद मैदान की तस्वीर आप देख रहे हैं उस आजाद मैदान में क्या चल रहा है, कौन कौन पहुंचा है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल सभी की जो निगाहें हैं वो वर्षा बंगले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे किसी भी वक्त शपथ लेने के लिए वर्षा बंगले से निकलने जा रहे हैं। उनके कोर ग्रुप के जो नेता हैं वो निकल चुके हैं, गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ जो पूरे चुनावों में चर्चा का विषय रहे वो पहुंच चुके हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं। तो अभी कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, और शुरू होने से पहले ही आगाज इस कार्यक्रम का क्या है वो आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं, और ये आगाज ऐसा होना ही था। आदर्श जी बहुत मेहनत की देवेंद्र फडणवीस ने, वो पार्टी जो हाशिए पर चली गई 2024 के लोकसभा चुनावों में, उसे इतनी जोर से हाथ पकड़कर खींचा कि 132 रिकॉर्ड सीटें हासिल कर ली। नहीं, एक तो हमारे योगी जी का जो नारा है जो पूरे देश में अभी चल रहा है हिंदुत्व का, कि एक है जैसे उसको मोदी जी ने कहा, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, उसका मैं एक प्रैक्टिकल आपको उदाहरण दूं तो अगर जो आप बूथों की संख्या देखेंगे जहां हिंदू वोटर्स थे, जहां पहले 50% या 45% हिंदू वोट कर रहे थे भाजपा को, इस बारी वहां 70% हिंदुओं ने वोट किया है एक तरफ भाजपा को या शिवसेना को। तो ये नारा चला है या नहीं, इसका डेटा है, फैक्चुअल डेटा भी है कि जो ये कह रहा है। आपने देखा होगा कि भाजपा ने जो सीटें जीती हैं महायुति ने बड़े मार्जिन से, बड़े मार्जिन, कोई बड़े 2-3 हजार से लंबे लंबे मार्जिन, 15-15, 20-20, 25-25, 50 डेढ़ लाख। आप हर बूथ पे अगर 20-20% आप, जहाँ 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही मिलकर, और हर बूथ पे आप 20-20% वोट बढ़ा ले रहे हो, 45% वोट आ रहा है वहाँ आपको, 70% क्लियर कंसोलिडेशन है। क्लियर कंसोलिडेशन।